मुंह में मत डालना साले। गलती किसकी थी? गलती अच्छा सा खड़ो के देख कर रहे थे तुम। ये मेरी दूसरी होली है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कपड़े फाड़ दिए गाइस। गोली पिटबुल गाइस, पहले ही लेना, पहले इस्तेमाल करें फिर यूज करिए। जरा लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो भाई होली की स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई थी कि भाई मैं सुबह जल्दी उठ के नहाने गया था। मैंने सोचा था कि भाई जल्दी नहा के पूजा पाठ करके बड़ों का आशीर्वाद लेके चलूंगा भाई अपना होली खेलने। पर हुआ ऐसा कि मैं बाथरूम में नहाने जा रखा था और मैं जैसे ही मतलब नहा के मैं बाहर निकला, मैंने एक कदम बाहर रखा ही था तो नीचे से मोहन और शिवम, पता नहीं मतलब आपस में क्या प्लानिंग करी उन्होंने, वो ऊपर आ रखे थे। उन्होंने मुझे बोला आजा बाहर आजा। मैंने कहा चल अभी तो नहा के आ रहा। मैंने कहा भाई मेरे कलर मत लगाना, अभी पूजा करनी है मुझे, कुछ भी मत करना। मतलब मुझे पता है खुरापाती दिमाग चलता है इनका। इन्होंने क्या करा, गोबर लेके मतलब शिवम ने नहीं मोहन ने गोबर रखा हुआ हाथ में। मैंने जैसे ही गेट खोल के बाहर निकला उसका हाथ यूं आया और मतलब मेरे मुंह पे मार रहा था पूरा गोबर। अब मेरे हाथ लगाया तो करके मेरे यहाँ लग गया पूरा गले में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो आप खुद ही देख लो। तो यहाँ पर होली चल रही है खतरनाक वाली भाई साहब, देख सकते हो तुम। ये बहुत बुरा कर रहे हैं, देखो भाई बहुत बुरा कर रहे हैं। तीनों भी मिल गए, ये वीडियो बना रहा है, ये भी इनके साथ में मिला हुआ, ये भी मिला हुआ है, सब कुछ हो गया। सॉरी भाई सॉरी, हां काम करो। अबे रखना ये रहा, जरा भाई होते हैं। देख पहले कैमरे में गलती किसकी थी? गलती जल्दी बोल, गलती किसकी? जल्दी बोल मेरा, हाय गलती किसकी? हरामी अरे देखो मुंह में मत डालना साले, गलती किसकी थी? मुंह में मत डालना साले। ये बाबूराव का स्टाइल है। ले पानी डाल ले। सॉरी बोल एक बार। हाँ सॉरी सॉरी भाई, तीनों के दिन मेरे को ये गोबर लगा रहे भाई, अब मैं अकेला पड़ा हुआ है, पानी डाल ले। तो ये गोबर वाली होली खेलने के बाद अब बारी थी हमारी रंग वाली होली खेलने की। तो बड़ों का आशीर्वाद लेके हमने होली की शुभकामनाएं दी। अच्छा है कि मोहन से गोबर की स्मेल नहीं आ रही, नहीं तो रंग लगाना मुश्किल हो जाता। और यहाँ अंदर बैठी अपनी भाभी जी और अपनी शाली जी को हमने रंग लगाया और भाभी जी को हम बाहर आने के लिए कहने लगे। फिर यहाँ हमने बड़ों का आशीर्वाद लिया। किसी फेस्टिवल को अगर हम साथ में मिलके सेलिब्रेट करें ना तभी मजा आता है। ये थोड़ा सा मजा सा नहीं आ रहा भाई, ये देखो इसको दिखाओ, ये पकड़ में नहीं आ रहा, थोड़े बड़े बड़े हो गए ना, लाग डर के मारे सब अंदर बैठे हैं, थोड़े बड़े बड़े हो गए, थोड़े बड़े बड़े हो गए। ये लो भाई अच्छा सा खड़ो के देख कर रहे थे तुम। ये मेरी दूसरी होली है, गोबर वाली होली खेल रहा हूं, देखते रहते फिर नहा धो के दोबारे आए, अभी दूसरी होली चल रही है, अब जाएंगे। तभी यहाँ एंट्री होती है पापा जी की। लगा लगा ओ इतने प्यार से लगा रहा है यार। पापा जी के कहने का मतलब यही था कि नहीं नहीं भाभी को तुमने ऐसे कैसे छोड़ दिया, तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और लगे हाथ मैंने शाली जी को भी पकड़ लिया, क्योंकि जब पापा है साथ तो डरने की क्या बात। लगे सीरियस लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। अब यहाँ आप ही देख लो, पूरी होली प्लानिंग से खेली जा रही है, देख रहे हो क्या साजिश रची है यहाँ पर। बहन नाची और चाची यहाँ बाल्टी लेके खड़ी है। ओ रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से सेमो सेमो होली। राधे राधे राधे, हैप्पी होली, हैप्पी होली। भाई होली के दिन अगर दोस्त बिछड़ गए ना फिर तो मिलना मुश्किल हो जाता है। भाई ऐसे ही घूम रहे हैं होली में भी देख लो, मतलब जो पुरानी वाली बात थी ना वो है ही नहीं गई। हाँ तो मैं कह रहा था भाई ऐसे हो गए ना कि अब मतलब मजा नहीं आता कोई, अब वो बात नहीं है। ये देखो अब 12:01 बज गए, अब जाके मिल रहा है, बड़े आदमी हो गए ना। ये देखो मिट्टी से होली खेलने वाले, कोई बात नहीं, मतलब मन ही नहीं कर रहा होली खेलने का, मन ही नहीं कर रहा भाई अब। तो मैं यही कह रहा था कि जो बचपन वाली बात थी ना वो रही नहीं अब कहीं। अब इतने फ़ोन कर दिए लोगों, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। ऐसे घूम रहा हूँ मैं, लगाता हूँ अपने रंग, खुद ही लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर हम आए अपनी आयुषी बहन के पास, क्योंकि लड़कियां ही हैं जो होली के दिन अपने घर पे मिलेगी। ये घर पे रह के इतने मजे कर लेते हैं कि हम वो मजे बाहर नहीं कर पाते। बाकी हमारे सारे दोस्त तो भाई पता नहीं कहाँ बिछड़ गए, बस हम दो चार ही हैं साथ। तो हेलो गाइस, दोबारा मिल चुके हैं हम लोग यहाँ पर, और आगे देखेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, देखेंगे आगे जो होगा देखा। ये है मेरा भाई, ये बेटा इतनी अच्छी होली खेलता है ना, ये सूखा पड़ा बिल्कुल, पूरा गिल्ला हो गया दोबारा।
कैसी लगी भाई गोवा वाली होली कमेंट करके जरूर बताना भाई। मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, पहले बाइक उठाऊंगा, मैं पहले बाइक उठाऊंगा। ले भाई, फिर देखते ही देखते हमारे बदन से हमारे कपड़े भी गायब हो गए थे और हम इसी हालत में जा रहे थे अपने दोस्तों के पास। कपड़े फाड़ दिए गाइस, कपड़े फाड़ दिए। हमारे दोस्तों भाई यहाँ होली खेल के नहाने भी लगे थे। सिमरन हुई सिमरन हुई सिमरन, ये देखो भाई छोटी गंगा, देसी गंगा, छोटी गंगा भाई, छोटी गंगा भाई, पूरे आदान ले रहे भाई। ये देखिए गाइस भाई कहाँ कहाँ है, बहुत दिनों बाद मेरा भाई विराज करके मेरे दोस्त को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो। छोटी गंगा में नहा रहे तुम? छोटी गंगा में नहाने का नेचर बहुत बड़ा है, हमने चिकन खा रखा है तो हम अपने मर्यादा के उसमें हम गंगा जी नहीं नहा सकते भाई। देखो इतना इतना कोई ध्यान रखता है, इसके अलावा कोई रख सकता है? हाँ भाई, आप पहले ही लेना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करिए जरा। लगा ये कलर मिटाने के लिए फेन आई लेना भाई, ठीक है गाइस। सिमरन का दीवाना मिल गया है, ये देखो सिमरन भाई, दिखाओ सिमरन का दीवाना, सिमरन के दीवाने। हेलो आज ही, हेलो आज ही जाएगा क्या पूरा मुंह धो के? आज ही जाएगा क्या? फिर भी सिमरन पसंद नहीं करेगी तेरे को, अभी मुंह धोला फिर भी सिमरन नहीं पसंद करेगी। अड्डू का आशिक, ए अड्डू का, अड्डू का आशिक, अड्डू का आशिक, स्मॉल पिटबुल, स्मॉल पिटबुल, कौन सी ब्रीड का पिटबुल है भाई ये? भाई हैप्पी होली पिटबुल, हैप्पी होली पिटबुल। अबे भाई अबे सांस तो ले रहे थे। ऐसा लग रहा है भाई आपको? तो भाई देखो सुनो, यारी दोस्ती में मजा नहीं गया तो भाई किसी कहीं पर मजा नहीं गया। जिस तरीके से हमने आपके दांत में गोबर लगाया, आप दोस्ती में दोस्ती को ध्यान में रखते हो, मुझसे गुस्सा नहीं हो रहा ना? जितनी होली में आते अपनी होली में गोबर से बन के जाता है भाई। छोड़ यार मैं कुछ नहीं, छोड़ 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 यहाँ तो आ गए, एक बार गंगा जी में दर्शन दे के आएंगे पहले। फिर अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ी बहुत होली खेल के हम वहाँ से वापस आ गए थे। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, वो लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई, वो लड़ाई क्यों कर रहे हो? पता है हमारे ग्रुप में ना मोहन एक ऐसा बंदा है जो हंसते हुए को रुला भी देता है और रोते हुए को हंसा भी देता है। खैर फिर हम जाने लगे गंगा जी की तरफ। ओए कार्तिक को मारेंगे अब, ठीक है? हां कार्तिक की पैंट, कार्तिक को मारेंगे सर भाई, कार्तिक की पैंट फाड़ के गंगा लाएगा। गाइस कार्तिक को मारने की बात कर रहे हैं भाई, वो आज वो भी है। आज जा रंग दूं तेरी चुनरी सनम रे, चुनरी सनम, वाओ गाइस हम इतने प्यारे घाट में आ चुके हैं, ये हमारा भाई। पर अभी भी होली चलेगी, अभी होली चलेगी, पहले कलर खत्म कर रहे हैं अपने कलर। गुलाल की होली जितनी मर्जी खेल लो पर यार गोबर की तो थोड़ी कम ही खेलते हैं, हम ज़्यादा नहीं खेलते। गोबर का नाम लेते हैं इसको, पता नहीं क्या हो जा रहा है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से। गाइस वैसे मुझे पंडित जी ने पानी और आँख से दूर रहने को कहा है पर फिर भी मैं आ गया हूँ यहाँ गंगा जी में। तभी देखो पीछे से आयुष ने आके मेरा क्या हाल कर दिया, मेरी नाक नूक में घुसा के मंजन करा दिया। अब इसके बाद मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे कितनी परेशानी होने वाली है क्योंकि ये नॉर्मल रंग तो था नहीं भाई। यार गाइस देखो मैंने क्या कहा था, ये कौन से रंग का फूल बना दिया, मुझे दिख भी नहीं रहा, धूप इतनी तेज हो रही है। अब ये क्या था? सो गाइस उसके बाद जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरे पेंट लगा है भाई, मैंने फ़ोन रखा जेब में, मैंने कहा वीडियो तो बाद में भी बन जाएगी, और मैं गंगा जी किनारे गया और वहाँ मुंह धोने लग गया। एक बार धोया, दो बार, तीन बार, चार बार, और फैल ही जा रहा था, मिट ही नहीं रहा था। उतनी में मुझे मोहन ने देख लिया, मोहन सोचा कि मौके में चौका मारता हूँ, आया मेरे पास, उसने चौके की जगह छक्का मार दिया भाई, मुझे पानी में धक्का दे दिया और पानी इतना इतना, और अच्छा हुआ भयंकर गहरा इन था, मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं तो क्या ही बोलूँ। और दूसरी बात मेरी जेब में फ़ोन, मैंने कब तो गया अब नहीं चलता फ़ोन, और बाहर आया आधे घंटे तक करा, धूप में रखा, नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। फिर गाइस इन्होंने बोला कि घर जाके चावल में रख दियो, पानी सोख लेगा, कोई कह रहा ड्रायर मार दियो। मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ी बहुत उम्मीद तो थी कि चल जाएगा। फिर मैंने घर जाके चावल में डाला, आधे घंटे बाद निकाला, एक घंटे बाद भी निकाला, नहीं चला। फिर मैंने कहा अब तो हो गया, मैंने फिर क्या करा, रात भर चावल में छोड़ दिया। सुबह खोला तो भाई थोड़ा ड्रायर मारा उसमें, उसके बाद चलाया तो चलने लग गया था। तो चलो खैर जो होना होता है वो तो होएगा ही भाई, उसे कौन रोक सकता है। बाकी जय हो हनुमान जी की, राम जी की भाई। मैं रात भर दुआ मांग रहा था कि फ़ोन चल जाए चल जाए, तो चल गया, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है मेरे लिए। बाकी आपकी होली कैसी रही भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। डेली मिनी ब्लॉग्स आ रहे हैं, उनसे जुड़ जाओ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए,
और भाई बीच बीच में मैं कॉमेडी भी डालता रहता हूँ, सुबह के टाइम कॉमेडी भी डालता हूँ और शाम को 8 बजे मेरा मिनी ब्लॉग भी आता है। तो भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइए। बाकी हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।